जब बालों को मोटा, काला, लंबा और घना बनाने की बात आती है तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बट वो क्या प्रॉपर होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर जो हमें क्वांटिटी, जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए रहता है, वो आपको चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एल्ब्स गुडनेस की दोस्तों, जो कि हिबिस्कर और मेथी पाउडर से ये बना हुआ है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इस पाउडर को मैंने लिया है दोस्तों, और मैं इसी से आपको बताऊँगी। एक नेचुरल सा डाई आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हो, आपको कोई भी केमिकल वाली ऐसे बाजार की डाई लगाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, अगर आपने नेचुरल चीज़ों से अपने बालों की ग्रोथ अच्छी कर ली। देखिए यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, यू नो, जो हिबिस्कस और मेथी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, साथ ही साथ हमारे बालों को स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और स्कैल्प हमारे काफ़ी ज़्यादा नॉरिश रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, देखिए ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आई है दोस्तों। मैं यहाँ पे एक चम्मच के तकरीबन इस तरह से हिबिस्कस और मेथी का इस तरह से पाउडर लेने वाली हूँ, और इसकी पैकेजिंग अगर आप मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इस तरह से जिप लॉक पाउच में आती है और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पाउडर को ले लिया है दोस्तों, जो आप सभी जानते हैं हिबिस्कस प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना करके रखते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ भृंगराज का। जी हाँ दोस्तों, जो भृंगराज है इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और इसे हम राजा कहते हैं अपने बालों के लिए, क्योंकि ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर से ये हमें प्रिवेंशन दिलाती है, बालों में एक बहुत ही अच्छी सी शाइन को लेकर के आती है दोस्तों, जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं आज के डेट में, जबकि हमारा खाना पीना और बहुत सारे लोग जो लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं उनसे ये अगर प्रिवेंट करना है, अगर अपने बालों को हेल्दी बनाना है तो भृंगराज का आप यूज़ ज़रूर करिए। तो यहाँ पर मैं एक बड़े चम्मच के तकरीबन भृंगराज का पाउडर ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको लेना मस्ट है दोस्तों, और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी purple.com पे। वैसे दिवाली सेल ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक यहाँ पे दिवाली की जो सेल चल रही है purple.com पे, तो आप यहाँ से इस प्रोडक्ट को ज़रूर बाय करिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसे ज़रूर चेकआउट करिए। इसमें से देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ये कलौंजी पाउडर लिया है ना, अब मैं आपको कलौंजी के बेनिफिट भी बताऊँगी। कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्ट्रेंथ देता है आपके हेयर फॉलिकल को, रिड्यूस करता है हेयर लॉस से, साथ ही साथ ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए, साथ ही सफेद बालों को अगर आप मेलानिन पिगमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो कलौंजी पाउडर का आप इस्तेमाल जरूर करिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, और ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया है कलौंजी का, इसे आप 9 रुपीज़ में भी ले सकते हैं। लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है दोस्तों। आप यहाँ पे आज मेरी वीडियो जा रही है, लेकिन आप आगे जो 7 अक्टूबर सेल चल रही है तो आप इसे 9 रुपीज़ में भी बाय कर सकते हो, और उसके बाद तो आप बाय वन गेट वन ये प्रोडक्ट ले ही सकते हैं। पर्पल पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिए। अब हम यहाँ पर जो कलौंजी पाउडर हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों, इसे इन सारे पाउडर्स को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप इसे गर्म पानी के साथ में इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर कॉफ़ी के साथ में आप इसे लगा सकते हैं। सिल्की और शाइनी बनाता है आपके बालों को, मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसे इंक्रीज करने का भी ये काम करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रांग रहे और उनके हेयर फॉलिकल अच्छी रहे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दोस्तों एल्ब्स गुडनेस की लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। ये आपको आराम से मिल जाएगी purple.com पे, इसकी 4 से 5 बूंदें ही काफ़ी है दोस्तों, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, और साथ ही साथ मुझे नहीं लगता है कि मेरे बालों में कोई डैंड्रफ की समस्या होने वाली है कभी, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ एल्ब्स गुडनेस का ट्री इसेंशियल ऑयल दोस्तों, जो कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छी सी काम प्रोवाइड करता है। आप जब भी थके हारे आते हो ना दोस्तों, तो आप टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, और ये लेवेंडर ऑयल को भी आप यूज कर सकते हो। सारी चीज़ों को आप अगर इस डाय में प्रिपेयर कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। वैसे अगर आप नारियल के तेल में लगा करके अपने बालों पे लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, साथ ही साथ आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और बाल हमेशा एकदम से स्वस्थ रहेंगे आपके स्कैल्प से, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने ले लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉफ़ी का पानी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको कॉफ़ी का पानी लेना है और इस तरह से इसमें ऐड कर देना है।
इसे धीरे धीरे से इसमें ऐड करिए और आप अभी अपने सामने ही ये मैजिक देख सकते हो कि ये नेचुरल डाई है। आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह से, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और आपके बालों को ये स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करेगी। जो बीच में से बाल टूट जाते हैं, हेयर थिनिंग की अगर प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। तो ये हमारा जो पेस्ट है ये रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत ही नेचुरल सा है दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। और ये हमारे बालों के लिए दोस्तों आप ऑल टाइप्स ऑफ यू नो हेयर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन ये आपके बालों को नया जान देगा, नई तरीके से आपके बालों को उगाने का काम करेगा और बाल आपके स्वस्थ होंगे, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम भी आपको छुटकारा मिलेगा। आई होप दोस्तों आज की जो रेमेडी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वैसे मैंने प्रोडक्ट्स की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।